नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स सैंबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आदिवासी उरांव समाज रक्तदान समूह की ओर से बानटोला स्थित पुस्तकालय में बैठक हुई, जिसमें सभी रक्तदाताओं का समूह के मुख्य संचालक ब्लड मैन लालू कुजूर ने आभार जताया। उन्होंने बताया कि आदिवासी उरांव समाज रक्तदान समूह की शुरुआत 8 जून 2000 को की गई थी। वर्तमान में इस ग्रुप में करीब 300 रक्तदाता हैं, जो 24 घंटे सेवा के लिए प्रयासरत रहते हैं। ग्रुप द्वारा अब तक 800 से अधिक जरूरतमंदों को रक्त की व्यवस्था कर जान बचाने का कार्य किया गया है। प्रत्येक वर्ष संघ की ओर से उरांव समाज की स्थापना दिवस पर 30 जून को सभी रक्तदाताओं को सम्मानित किया जाता है। लालू कुजूर ने कहा कि वर्तमान में जो ग्रुप के सदस्य जुड़े हैं वह पर्याप्त नहीं है, हमें चाहिए कि और भी युवाओं को इस तरह के कार्य में जोड़ा जाए। यह कार्य हम सबको मिलकर करना होगा। रक्तदान के लिए नए लोगों को प्रेरित करना होगा ताकि रक्त की कमी को दूर किया जा सके। इंसानियत के लिए इससे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य कोई नहीं है। जिला स्वास्थ्य समिति अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम और टाटा स्टील फाउंडेशन के सौजन्य से सदर अस्पताल सभागार में दृष्टि प्रोजेक्ट का शुभारंभ सिविल सर्जन साहिर पॉल ने किया। इस दौरान दीप प्रज्वलित कार्यक्रम में ACMO डॉक्टर भारती मिंज, सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर ANDA, नेत्र सर्जन डॉक्टर सेलिन सोसन टोपनो, डॉक्टर सीरियल संदीप समैया, डॉक्टर मीना कालुंडिया मौजूद रहीं। टाटा स्टील फाउंडेशन नवामुंडी के दृष्टि प्रोजेक्ट के प्रमुख सागरिका गुप्ता ने बताया कि हमने प्रयास किया है कि नवामुंडी प्रखंड को मोतियाबिंद फ्री जोन करना है, स्कूली बच्चों का स्क्रीनिंग कर निःशुल्क चश्मा दिलवाना है, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस पर काम करना है ताकि दृष्टि की कमी के कारण अंधापन ना हो, सभी जरूरतमंद व्यक्ति को रोशनी मिले, यही हमारा प्रयास है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है, तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी सदर बाजार चैबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चैबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में चार पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चैबासा टाटा मार्ग टेकासाई चैबासा। चैबासा शहर के पिल्ले हॉल में शुक्रवार से मशहूर जादूगर DK भारत के जादू शो का शुभारंभ हो गया है। इसका उद्घाटन उद्योगपति और समाज सेवी मुकुंद रुमटा और वरिष्ठ अधिवक्ता निरंजन प्रसाद साव ने किया। जादूगर DK भारत पांचवी बार अपना जादू का शो दिखाने के लिए चैबासा पहुंचे हुए हैं। जादू शो को लेकर चैबासा शहर के लोगों खासकर बच्चों में काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुकुंद रुमटा और निरंजन साव ने कहा कि वर्तमान समय में जादू की कला लुप्त होती जा रही है, सर्कस की भी यही स्थिति है, ऐसे में हमें इनको संरक्षित करने की जरूरत है। जादू एक ऐसी विद्या है जो बच्चों के बीच ज्यादा लोकप्रिय है। दोनों अतिथियों ने जादू के शो की सफलता के लिए जादूगर DK भारत को शुभकामनाएं दी। उद्घाटन समारोह के बाद जादूगर DK भारत ने अपना पहला शो किया, जिसमें उन्होंने एक से बढ़कर एक जादू के करतब दिखाए। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ DK भारत जी का। इनके पिताजी यहाँ शो किया करते थे। हम सभी चैबासा शहर वासियों का इनके परिवार को प्रेम मिला है। हमारी उम्मीद है, अभी निरंजन जी से भी मेरी यही बात हो रही थी, हमारी उम्मीद है कि हम लोग इसी प्रकार इनको अपना स्नेह देते रहेंगे। धन्यवाद। ये सौभाग्य की बात है कि आज की दुनिया में जबकि ये प्रथा, ये जादूगर
प्राय हो रही है, सरकस भी लुप्त प्राय हो रहा है, उस समय ये इस विधा को जीवित रखने के लिए प्रयत्नशील है। और जैसा कि मुकुंद जी ने कहा कि ये चौथी या पांचवी बार हो रही है, तो मैं इनके पिताजी को याद करता हूँ। 2013 में आए थे आपके पिता, हाँ 2007-2013 में भी आए थे, अच्छा 16 में भी आए थे। तो ये अपने कला विधा को कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए और आपका मनोरंजन भी करेंगे। धन्यवाद। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दौरान कमिश्निंग मॉक पोल के दौरान नन फंक्शनल पाए गए बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को निर्माता कंपनी ईसीआईएल हैदराबाद को उपलब्ध कराने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त की उपस्थिति में ईवीएम वेयर हाउस को खोला गया। इस मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है? अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना, हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में FS टावर और JMP चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आया आया नीलम शून्य स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शून्य स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारे नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। जी हाँ नीलम शू का वाद। आपसे फिर मिलूंगी कुछ नए खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।